हेलो देयर, वेलकम टू अनदर प्रोडक्टिव डे इन माई लाइफ. सो इट्स करंटली 6:25 AM एंड आई एम गोना मेक अ टू डू लिस्ट फर्स्ट टू ऑर्गेनाइज माई टास्क फॉर द डे. एंड फॉर दोज हु आर न्यू टू माई चैनल, आई एम मानसी एंड आई लव क्रिएटिंग एस्थेटिक कॉन्टेंट. इट्स पार्ट ऑफ माई हॉबी एंड ऑल्सो आई एम शेयरिंग माई जर्नी ऑफ CGL विद यू ऑल बिकॉज दैट्स वट आई एम डूइंग राइट नाउ. एंड आई लव टू शेयर ऑल द लिटिल स्मॉल मोमेंट्स हैपनिंग ड्यूरिंग दिस जर्नी. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ वीडियोज देन डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब. तो आज के मेरे टास्क रहने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूँगी पमा सर के वीडियो से जिसमें मैं लेक्चर 9 पे हूँ, एंड देन आई विल कंटिन्यू विद द वोकेबलरी और एडिटोरियल एज यूजुअल, और फिर मैं अपने पॉलिटी में 100 क्वेश्चन करूँगी GK के, एंड देन आई विल मुझे रीजनिंग का भी मॉक टेस्ट देना है, प्लस मैथ्स में मैं एवरेज टॉपिक पे हूँ तो मैं वो सब रिवाइज करूँगी. सो आज के मेरे ये टास्क रहने वाले हैं प्लस रीडिंग, और इस वीडियो में एक मिस्ट्री बॉक्स भी है सो एंड तक ज़रूर देखना. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टास्क. जैसा कि मैंने बताया मैं लेक्चर 9 पे हूँ तो पमा सर का वीडियो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और मॉर्निंग में ऐसा रहता है कि मतलब और अगर कुछ स्टार्ट करेंगे तो बोरिंग सा भी लगता है, और अगर हम वीडियो से स्टार्ट करते हैं थोड़ा फ्लो बन जाता है, और ऐसे भी लगता है कि कितनी बड़ी एक चीज़ मतलब हमने स्टार्ट कर दिया एटलीस्ट. तो मैं अभी ये वीडियो करूँगी, और मैंने देखा अभी कि ये लेक्चर 1 hour 40 minutes का कुछ है, काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे, पर कोई नहीं कर लेंगे. और मैंने ये भी देखा कि सर जो कराते हैं उसमें से मतलब क्वेश्चंस बन रहे हैं मॉक टेस्ट में जो मैं दे रही हूँ, सो काफ़ी यूज़फुल हैं ये वीडियोज़, तो आप भी ज़रूर देखना. तो और इसके बाद जब मैं ये वीडियो कर लेती हूँ तो मैं इसे रिवाइज़ भी करती हूँ, लाइक 10 to 15 minutes लगते हैं बस. वैसे तो देखो बोरिंग बहुत लगता है रिवाइज़ करना, बट अगर आप साथ के साथ कर लेते हो तो आपको 15 minutes लगते हैं, पर अगर आप उसे 2-3 दिन बाद भी करोगे तो आपको एटलीस्ट आधा घंटा लग जाएगा. तो इससे बेटर है आप स्मार्टली पढ़ो ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहें, तो साथ के साथ रिवाइज़ करना इज़ क्वाइट गुड. वैसे तो नोट्स बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं है, बट अभी मैंने सुनी रही हूँ लेक्चर तो थोड़ा बहुत मैं रफली नोट डाउन कर रही हूँ जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है और मेरे माइंड में मुझे रहना चाहिए वो चीज़ याद, तो मैं बस वही लिख रही हूँ. ऐसा सच कोई मैं बहुत नोट्स नहीं बना रही क्योंकि PDF तो मिल ही जाएगी. तो मेरा लेक्चर हो गया है कम्प्लीट, और अभी टाइम हो रहा है 8 AM, मतलब 1.5 घंटा सा लग गया मुझे. सो अब मेरा टाइम है थोड़ा ब्रेक लेने का, और फिर मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी अपना और चीज़ें लाइक मॉर्निंग वाली. तो मैं ब्रेकफास्ट वगैरह कर रही थी फिर मेरा पार्सल आ गया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, इट्स जस्ट आई वांटेड टू शो यू व्हाट आई गॉट इन हियर. सो आई ऑर्डर्ड दिस मिस्ट्री बॉक्स फ्रॉम kitabe.com अ वीक अगो विच केम अक्रॉस ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, एंड आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट. सो बेसिकली क्या है ये मिस्ट्री बॉक्स? It's just when you are indecisive about what to read next, or you are not familiar with the popular authors or the books and you are new in this reading hobby. So मुझे लगा लाइक कि ट्राई करना चाहिए, और फिर लाइक मैंने देखा कि लाइक they'll ask you about which genre you want to read or you are into. So I chose the thriller one because मुझे थोड़ा सा ऐसा है कि मैं suspensive, you know, like thriller type का कुछ read करूँ. तो फिर जैसे आपने चूज़ कर लिया देन वो अपनी लाइब्रेरी से रैंडमली टॉपिक्स जो होते हैं जो भी आपने चूज़ किया उस अकॉर्डिंग वो आपको मिस्ट्री बॉक्स में डाल के देते हैं. एंड वन मोर थिंग, दीज बुक्स आर यूज्ड बुक्स बट ओरिजिनल वंस, ये पहले किसी ना किसी ने रीड की हुई है उनकी लाइब्रेरी में, विच इज़ वेरी यू नो एक्साइटिंग कि इसे किसी ना किसी स्मार्ट लोगों ने तो इसे रीड किया होगा एंड नाउ आई एम गोइंग टू रीड इट. सो और मुझे ये पूरी लाइक 10 books मिली 1100 में, विच इज़ वेरी गुड डील. लाइक 1100 में 10 books कहाँ मिलती हैं, और वो भी ओरिजिनल. और सो आई एम सो एक्साइटेड, और इसके बारे में मेरे रीडिंग जो भी व्यूज़ हैं वो मैं आपको आगे शेयर करूँगी वीडियो में. तो अब मैं अपना सेकंड टास्क करूँगी विच इज़ इंग्लिश एडिटोरियल. तो सबसे पहले मैं अपना एडिटोरियल करूँगी जिसमें 30 minutes सा लग जाएगा, एंड देन मैं वोकैब अपना करूँगी कंटिन्यू. और आज का आर्टिकल ईजी था काफ़ी, मतलब अगर आप डेली एडिटोरियल करते हो ना, स्किप नहीं करते, तो वर्ड्स बहुत रिपीट होते रहते हैं, तो एज सच आज कोई मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगा, अच्छे से हो गया, ईजी सा था. Thank you.
ट्यूटोरियल तो हो गया, अब मैं करूँगी idioms रिवाइज। और ब्लैक बुक तो मैं कब से कर रही हूँ और मेरी हो भी चुकी है, बट यू नो रिवाइज करना ज़रूरी है। एक भी दिन अगर स्किप किया तो वो बढ़ता चला जाता है, और कितना भी आप सोचो कि आपको सारे वर्ड्स आते हैं पर कोई ना कोई भूल ही जाते हो। तो 200 मैं डेली रिवाइज करती हूँ, जितनी बार भी मुझसे होगा मैं उतनी बार ये बुक रिवाइज करूँगी। तो मैं अपना दूंगी मॉक टेस्ट, और जैसा कि मुझसे हर वीडियो में कमेंट्स में पूछा जाता है कि आप मॉक टेस्ट कहाँ से देते हो, तो मैं मॉक टेस्ट प्रेपिन से देती हूँ। और आप भी इसका प्लान ले सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है। आपको जस्ट 200 पे करने हैं विद माई कूपन कोड, और आप इस पर कोई भी टेस्ट दे सकते हैं, ये फुल ईयर का सब्सक्रिप्शन है। तो अब मैं अपना टेस्ट लगाऊंगी। जैसे कि लास्ट 3 डेज से ना मैं रीजनिंग की अच्छे से अपनी रिवीजन कर रही थी, तो मुझे मेरे वीक पॉइंट्स पता चले, फिर मैंने उन पर अच्छे से फोकस किया, एंड फिर मैंने सोचा कि मैं मॉक टेस्ट दूंगी इसका, जो प्रीवियस ईयर में हुआ था 23 में, उसका फिर मैंने लगाने की सोची। और ये तो फुल मॉक टेस्ट था, बट मैंने सिर्फ रीजनिंग का ही सेक्शन किया, तो फिर उसमें मेरे मार्क्स आए 46 out of 50। और मुझे 2 क्वेश्चन में डाउट था, तो जैसे कभी कभी होता ना कि कोई क्वेश्चन बहुत टाइम कंज्यूमिंग सा होता है और आपको माइंड में हिट नहीं करता कि इसको कैसे करना है, और जब तक मुझे आया समझ तब तक मैंने सबमिट कर दिया था। और ये वाला टाइप ना मेरा हमेशा ही रह जाता है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़, तो मुझे इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैसे तो मुझे मॉर्निंग में करने थे रिवाइज फॉर्मूलाज अपने, बट मैं भूल गई। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था मैथ्स की स्ट्रेटेजी में, कि मेरा लाइक 1 आवर डेली का है कि मैं सुबह रिवाइज़ करूँ और कैलकुलेशन वगैरह करूँ, बट अभी मैं ये भूल गई, तो अभी मैं रिवाइज़ करूँगी। और अगर आपने मेरी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो नहीं देखी मैथ्स वाली, तो मैं लिंक डाल दूँगी, आप देख लेना। तो मेरा लंच का टाइम हो गया था और मुझे ऐसा कुछ मन नहीं था, और मैगी पड़ी थी तो मैंने सोचा मैगी बना लेती हूँ। कितना भी मैं सोचूं कि अच्छी चीज़ नहीं है खाने के लिए, और हमें पता भी होता है कि इट्स नॉट हेल्दी, बट फिर भी मैं बना लेती हूँ कैसे भी सोच के कि हाँ अब नहीं खाऊँगी दोबारा लेट, मतलब बहुत टाइम तक अब नहीं खाऊँगी, अभी एक बार खा लेती हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं और आगे स्ट्रेटजीज लाऊँ रीजनिंग वगैरह की और की, तो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। वी आर वेरी क्लोज टू 10K, तो सब्सक्राइब कर दो, फिर मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। अब मैं पॉलिटी के 100 क्वेश्चन करूँगी रिवाइज। मेरा ना जीके का जो स्कोर है वो मॉक टेस्ट में 20 to 25 अराउंड आ रहा है, बहुत कम है, और मुझे थोड़ा सा इसे इंक्रीज़ करना है, लाइक 35 लाना है मुझे। तो मेरा ये है कि जीके पे भी अच्छे से मैं करूँ अपना, तो अभी मैंने जैसे PYQ तो वीडियो करनी ही होती है डेली, बट अभी मैं ये साथ साथ जैसे पॉलिटी कर रही हूँ, और मेरी ज्योग्राफी हो चुकी है, इकोनॉमिक्स भी हो चुकी है, और हिस्ट्री में सबसे लास्ट में करूँगी, बिकॉज़ हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा लर्न करने का रहेगा, ताकि जितना लेट स्टार्ट करूँ उतना ज़्यादा टाइम तक मुझे अच्छे से याद रहे, तो अभी मैं ये करूँगी। तो मैगी खाने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया था, और फिर उठने के बाद मैंने 2 घंटे अपनी एवरेज की प्रैक्टिस की। और मतलब मैंने आपको अपनी मैथ्स की स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बताया था कि मेरा मैंने जो शेड्यूल बनाया अपना वीकली, तो उस अकॉर्डिंग मेरा अभी एवरेज पे थी मैं, तो मैंने वो 2 घंटे की प्रैक्टिस की, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मुझे मैथ्स का ज़्यादा फिल्म करना अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे लगता है आराम से करूँ मैं रिलैक्स होके। और फिर मैंने थोड़ी देर के लिए वॉक पर चली गई पार्क में, तो बुक से तो मैंने कर लिया था, बट फिर मैंने सोचा कि मैं जो 2023 में CGL का एग्ज़ाम हुआ था वो दे के देखती हूँ कि मेरे से क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं। तो फिर मेरे 18 क्वेश्चन से ही 18 में से मुझसे 13 हुए थे, और जो भी क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए फिर वो मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी बाद में, दोबारा से इनको देखूँगी फिर रिवाइज करूँगी।
तो अब मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो गए हैं और अब मेरा रीडिंग रह गया, वो करूँगी. एंड लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स रादर देन स्ट्रेटेजीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल सो मच फॉर 8,000 सब्सक्राइबर्स. इट रियली मीन्स अ लॉट. आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट. एंड एज सच मुझे अभी तक YouTube से कोई इनकम नहीं हुई है, बट स्टिल मैंने थोड़ा बहुत जो अर्न किया है लाइक कोलेब्रेशन एंड प्रमोशन से. सो आई गिफ्टेड माई सेल्फ दैट मिस्ट्री बॉक्स विच यू हैव सीन इन द वीडियो एंड अ कैंडल आई गॉट फ्रॉम मिनीसो. लेट मी शो यू. मैंने लास्ट कैंडल आई गेस 10 मंथ्स पहले अपने बर्थडे के अराउंड ली थी और वही मैं चला रही थी कब से, और मैंने सोचा एक कैंडल तो लेनी चाहिए मुझे. मैं इसे एक बार यूज़ भी कर चुकी हूँ और फिर मैंने इसे वापस बॉक्स में डाल दिया ताकि इस पर डस्ट ना लगे. तो मैंने अपने आप को गिफ्ट किया एक तो कैंडल और दूसरा बुक्स जो मैंने लिए आपको दिखाई थी. और मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स लेना मेरा मतलब बहुत अच्छा डिसीज़न था कि मुझे याद रहेगा कि मैंने अपनी अर्निंग से फर्स्ट गिफ्ट अपने आप को क्या दिया था. और मुझे बुक्स से बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे बुक्स कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है. चाहे कुछ ऐसे बुक्स भी हैं जो मैंने अभी तक हाथ भी नहीं लगाई लेकिन रीड भी नहीं करी, बट स्टिल मतलब मुझे इतना शौक है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी हो मेरी. तो मैंने बुक्स ली और मुझे ये याद रहेगा बिकॉज दे विल लास्ट फॉर एवर. तो अब रीडिंग करने से पहले मैं अपनी कॉफ़ी बना रही हूँ, और वैसे मैं किचन में भी बना सकती थी बट किचन में वैसा एस्थेटिक कुछ शॉर्ट ना आता, तो मैंने सोचा कि यहीं पे बनाऊँगी. और कॉफ़ी के लिए एक लाइक तो बनता ही है. वैसे लाइक से कुछ पैसे नहीं मिलते बट मुझे मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हो. तो मुझे लगता है कि जो मैं एफर्ट्स कर रही हूँ एस्थेटिक वीडियोज़ बनाने में, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और अच्छी बनाऊँ वीडियोज़. सो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना वीडियो. और एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहती हूँ कि मैं रीडिंग बहुत पहले से नहीं करती आ रही. मुझे 2 ईयर्स हुए हैं मैक्सिमम जब मैंने स्टार्ट किया, और मुझे ये भी याद नहीं कि मुझे इंटरेस्ट कैसे बना था बुक्स में. पता नहीं कहाँ मैंने देखा या मैंने सोचा कि मुझे बुक्स रीड करनी चाहिए. तो मैंने स्टार्ट किया था सेल्फ हेल्प बुक्स से रीड करना, और मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली बुक्स से कि यू नो यू कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, और यू कैन बी क्रिएटिव, और आप मतलब बहुत कुछ कर सकते हो, दैट आप में पोटेंशियल है. तो मुझे मतलब बुक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला था. तो कहीं ना कहीं मेरे YouTube चैनल का रीज़न मेरी बुक्स भी हैं कि मैंने मेरे दिमाग में ये चीज़ें आई थी. और यू नो आप कुछ भी कर सकते हो जो भी आप चाहो अगर आपकी विलिंग पावर है तो. सो दैट्स ऑल आई वॉन्टेड टू शेयर. इसीलिए मैंने अपने आप को फर्स्ट गिफ्ट बुक्स दी ताकि मुझे एक यू नो याद रहे कि हाँ दैट दे आर द वन. सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके जाना, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करना. मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है और बहुत मोटिवेशन भी मिलता है. सो अब मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.